सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सागर, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ सुपर बॉस। तो गाइस स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो गाइस आज मैं रिव्यू करने आ रहा हूँ टैक्सी ड्राइवर कोरियन ड्रामे का। वेल गाइस ये एयर हुआ था 9 अप्रैल, मतलब कि यही 9 अप्रैल, और ये बिल्कुल लेटेस्ट के ड्रामा है। तो ये 9 अप्रैल को प्रीमियर हुआ था और गाइस इसमें 16 एपिसोड है जो कि आपको देखने के लिए मिलेंगे 1 घंटे से ऊपर के। तो गाइस आज मैं इस वीडियो में यही बताने आ रहा हूँ कि आपको ये देखना चाहिए और नहीं देखना चाहिए। और गाइस ये अभी तक किसी भी लैंग्वेज में डब नहीं है, तो आपको इंग्लिश सब का इस्तेमाल करके इस पूरे के ड्रामा को देखना होगा। तो गाइस की रेटिंग आपको शो हो रही होगी, तो गाइस की रेटिंग देख करके ही आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये कोरियन ड्रामा कितना कमाल का। अगर गाइस कोरियन ड्रामे तो कमाल के होते ही है, तो चलिए फिर गाइस इस कोरियन ड्रामे का रिव्यू करते हैं। तो गाइस इसकी कहानी शुरू होती है, जैसा कि इसका नाम है टैक्सी ड्राइवर, तो गाइस इसकी कहानी इसी के नाम से शुरू होती है, यानी कि एक टैक्सी ड्राइवर से जो कि हमारा मेन लीड होता है। तो गाइस हमारे मेन लीड में ऐसा क्या है और इसकी टैक्सी में ऐसा क्या है कि इसके ऊपर पूरी एक कोरियन वेब सीरीज बन गई। तो गाइस ये टैक्सी और ये ड्राइवर बिल्कुल भी आम नहीं है, मतलब ये लोगों के रिवेंजेस पूरे करते हैं, लोगों के बदले लेते हैं। अब गाइस ये ऐसा क्यों करते हैं, इनके पीछे का ऐसा क्या मकसद है, और ये ऐसा कर ही क्यों रहे हैं, मतलब ये ही क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो गाइस उस सब का जवाब तो आपको इस वेब सीरीज मिलेगा। वेल गाइस मैं बता दूं, ये वेब सीरीज एक मस्ट वॉच की कैटेगरी में आती है, मतलब कि ये आपको एक अलग तरीके का पर्सपेक्टिव देती है जीने का, लाइफ को समझने का, कि अगर अगर हमारी ये जो लॉ ऑफ सिस्टम है, अगर ये इतना ही मजबूत होता तो क्राइम बार बार नहीं होते, अगेन वही क्राइम सेम नहीं होते, और वही क्रिमिनल कि 4 साल पहले मर्डर करके भाग चुका होता है वही दोबारा आगे जाके मर्डर नहीं करता। तो हमें ये सब चीजें सोचने पे मजबूर करती है। और गाइस हमें देखने के लिए मिलेगा इसमें जो हमारे मेन लीड का कमाल का रोल, जो कि उन्होंने इतने अच्छे तरीके से करा। वेगाइज मैं इनको जानता हूँ, मैंने इनके बहुत सारे के ड्रामास देखे हैं, और इससे पहले मूव टू दी हेवन जो कि अभी लेटेस्ट कल परसों का ही के ड्रामा है, उस पर भी हमने इनके एक्टिंग देखी थी, और इस बार हमें कमाल के एक्शंस देखने के लिए मिलेंगे। यकीन नहीं होता इनके इतने कमाल के एक्शंस ये किस तरीके से कर लेते हैं। तो गाइस स्टोरी पे आते हैं, तो गाइस स्टोरी की बात करें तो ये जो हमारे मेन लीड है, तो गाइस ये एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन से है जो कि टैक्सी सर्विस का काम करती है, लेकिन वो सिर्फ दिखाने के लिए टैक्सी सर्विस का काम करती है, मेन काम उनका बदला लेना है। तो वो लोगों को जा करके बदला लेती है, जो विक्टिम्स होते हैं वो सुसाइड करने के लिए जाते हैं। तो गाइस जैसे कि अगर किसी को सुसाइड करनी है तो वो कहाँ करेगा, लेक पे से कूद के, फांसी के फंदे पे। तो गाइस उन्होंने अपने स्टिकर्स ऐसे ऐसे जो पैम्पलेट्स होते हैं ऐसी ऐसी जगह पर लगाए होते हैं कि हर सुसाइड करने वाला व्यक्ति वहां तक पहुंच ही जाता है, और उन्होंने पूरे शहर में ऐसा कर दिया है। तो जो भी सुसाइड करने वाला होता है, जिस भी आदमी से परेशान होता है, तो वो इनके बैनर या जो पैम्पलेट्स वगैरह होते हैं वो पढ़ लेता है, और वो उनको अपने। और गाइस जो जितने भी हमारे टैक्सी ड्राइवर से ये ऐसा क्यों करते हैं, तो गाइस उसका सवाल का जवाब आपको इसी के ड्रामे में देखने के लिए मिलेगा। वेल गाइस ये भी विक्टिम होते हैं, मतलब कि ये भी बहुत परेशान होते हैं लोगों से जिन्होंने इनके साथ गलत किया होता है। तो गाइस ये भी वही लोग होते हैं जो कि मतलब कभी ना कभी अपना रिवेंज लेना चाहते हैं। वेल गाइस इसके जो ओनर हैं उनका मानना ये होता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा खुशी रिवेंज यानी बदला लेकर के मिलती है। तो गाइस क्या इनका पर्सपेक्टिव सही है, और क्या होता है इनका एंड में, और ये ऑर्गेनाइजेशन सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन कब तक चलता है, इन सबका सवाल का जवाब आपको इसी के ड्रामा में देखने के लिए मिलेगा। अलग अलग तरीके के आपको एक्शन, डायलॉग और बहुत कमाल की चीजें देखने के लिए मिलेगी, जो कि ह्यूमन साइकोलॉजी पर काफी गहरा असर पड़ता है, मतलब कि आपको काफी चीजें डीप में देखने के लिए मिलेगी। जैसे कि मैंने उसमें देखा कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन अगर लॉ सिस्टम अगर इतना ही अच्छा होता तो एक क्रिमिनल इतने सारे खून कैसे कर सकता है, और अगर ये लॉ सिस्टम इतना ही बेकार है तो हम इसके अकॉर्डिंग काम क्यों कर रहे हैं। तो इस तरीके के आपको सवाल देखने के लिए मिलेंगे। वेगैस नए नए के ड्रामास जो आ रहे हैं वो हमारी साइकोलॉजी को काफी ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे कि गाइस मैंने देखा था माउस जो के ड्रामा आया था वो तो एक अलग ही लेवल का था, उस पर भी रिव्यू डाल आप नीचे प्लेलिस्ट को ओपन करके सब एंजॉय कर सकते हो के ड्रामा वाली। और गाइस ये जिस इंस्टीट्यूट में काम करते हैं उसका नाम रेनबो टैक्सी सर्विस, इस तरीके का उसका कुछ नाम है, लेकिन जो हमारे मेन लीड की जो एक्टिंग है वो इस के ड्रामे को एक अलग ही लेवल पे लेकर के आ जाती है, जो कि काफी कमाल का और काफी बिंदास एक्टिंग करते हुए दिखते हैं हमें इसमें। तो गाइस ये था इस के ड्रामे का रिव्यू, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। मैं इसी तरीके के न्यू के ड्रामास पे रिव्यू लाता रहता हूँ। तो गाइस जैसा कि मैंने बताया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हो, लेटेस्ट के ड्रामा पे आपको रिव्यू वीडियो मिलते रहेंगे। और आपको और आपने के ड्रामा देखा है या देखने वाले हो, जो भी आप इससे रिलेटेड शेयर करना चाहते हो नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे से शेयर कर सकते हो। और गाइस मैंने इससे पहले बहुत सारे लेटेस्ट के ड्रामा विंसेंजो माउस सब पे रिव्यू दे रखा है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाकर के सब एंजॉय कर सकते हो। तो गाइस आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं किसी और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक पे।